माशाल्लाह सुभानअल्लाह कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहब सियालकोट से तशरीफ लाए हुए आलमे इस्लाम के अजीम कारी नामवर कुर्रा में आपका नाम शामिल है। आपकी तिलावत से कबल हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद जवाद अहमद शाह साहब आस्थान आलिया पुरी शरीफ से आप तशरीफ लाए हैं, मैं खुशामदीद पेश करता हूं और आपके साथ साथ सैयद हैदर अली शाह साहब आपकी आमद हुई खैराज तहसीन। गिरामी कदर मैं तो अभी कुछ मिनट हुए हैं, मैं तो तसव्वुरात में शहर मदीना पहुंच चुका था। आज उमरे के टिकट हैं और मैं अभी यकीन जानी वल्ला आलम मैं सादात की मौजूदगी में तसव्वुर में मुझे मदीना याद आ गया। अब क्यों याद आया, इसकी वजह यह है कि कुछ साल पहले, दो तीन साल पहले की बात है, छतरियों के नीचे सफेद पगड़ी है, पगड़ी भी माशाल्लाह, और फिर सामने छतरियां खुली थी और गुंबद खदरा नजर आ रहा था और एक सैयद कुरान की तिलावत कर रहा था। जरा सुभान अल्लाह, मुझे यूं महसूस हुआ कि ये कोई आम हस्ती नहीं, नूर से चेहरा चमक रहा, तिलावत जारी है। मैं कुछ देर ठहर गया कि अब दौरान तिलावत में आवाज भी नहीं दे सकता था, तो मैं इंतजार में था। ये जोहर की नमाज के बाद का मंजर है, मैं आवाज भी नहीं दे सकता था क्योंकि कुरान पढ़ा जा रहा है। मुझे जितना भी रुकना पड़ा, आधा घंटा घंटा जितना भी, मैं सैयद के पीछे बैठा रहा। सुभान अल्लाह कहिए, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। मैं सैयद के पीछे बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद सैयद ने कुरान बंद किया, गुंबद की तरफ निगाह करके दुआ मांगी और दुआ के बाद फिर मैंने सैयद का हाथ थामा, मैंने बोसा दिया और वो कोई सैयद और नहीं था, वो पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमात। गिरामी कदर अभी बैठे बैठे मेरी हाजिरी हुई, वो सारा मंजर जो दो तीन साल पहले की बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। क्यों रखी कि आज बड़ी देर बाद कोई मदीने का वो मुसाफिर जो हजूर के कदमों में लंगर तनावल फरमा के पहुंचा है और आज सीधे हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह चाहिए, आज सीधे मदीना पाक से पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब आका की महफिल में जलवा अफरोज हुए। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज। मैं अमीर मिल्लत हजरत किबला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नूरे नजर, आपके फर्जन, आपके बेटे, आपके साहबजादे आले नबी औलादे अली अमीर मिल्लत का फैज जनाब किबला हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती दामत बरकात मुल्क कुदसिया, जिन्होंने पाकिस्तान से लेके इंग्लैंड तक, पाकिस्तान से लेके यूरोप की सरजमीन तक सैयदा कायनात का जिक्र डंके की चोट पर बुलंद किया है और अपने अकीदे अहले सुन्नत व जमात का दिखा किया है। सैयद का इस्तकबाल मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब चपाती आस्थान आलिया ढींडा शरीफ।